शर्मा मौजूद रहेंगे, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ही चर्चा की जाएगी। भूपेंद्र यादव इसके साथ ही संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर भी अलग अलग बैठकें आज लेंगे। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक है नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी है, तो ऐसे में बैठकों का सिलसिला आज एमपी बीजेपी में भी जारी रहेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन की बैठक आज चलेगी। दिन भर अलग अलग बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। दिग्गज बैठकें लेंगे मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जानकारी आपको दे दे कि अलग अलग बैठकें, एक तरफ भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठकें लेंगे, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ही चर्चा होनी है। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, मोहन यादव भी बैठक में मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे, जानकारी लेंगे। संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, अलग अलग बैठकों का सिलसिला आज एमपी बीजेपी में चलेगा, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए, चुनाव को लेकर 2023 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसी रणनीति के तहत आज भी दिन भर अलग अलग बैठकों का दौर शुरू होगा। खासतौर से वित्तीय प्रबंधन को लेकर अभी बैठक की जा रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव पहुंचे हैं, जो खासतौर से सदस्य निधि के प्रमुख हेमंत खंडेलवाल है, रायन सिंह है, ओम प्रकाश सकलेचा, मोहन यादव, तमाम पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही आज चुनावी कार्यालय का भी शुभारंभ होना है, तो केंद्रीय मंत्री और जो प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय महासचिव की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय भी बीजेपी कार्यालय मौजूद है। तो तमाम नेता जो है मंथन कर रहे हैं, खासतौर से वित्तीय प्रबंधन की बात हो, अलग अलग समितियों के गठन की बात हो, तो अंतिम दौर की बैठकें चल रही है और माना जा रहा है कि आज देर शाम तक जो अलग अलग समितियों का गठन होना, उनको लेकर भी जो सूची है वो जारी हो सकती है। और सुबह 10:30 बजे चुनाव प्रबंधन समिति का जो कार्यालय है, जहां से पूरा प्रबंधन देखा जाएगा, उसका उद्घाटन भी किया जाना है। तो 23 को लेकर बीजेपी अलग रणनीति पर काम कर रही है, यही कारण है कि हम देख रहे हैं लगातार उसी कड़ी में आज भी बैठकें जारी रहेंगी। सूरज, शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए।